दिल्ली की जामा मस्जिद का हो सर्वे, हिंदू सेना ने एएसआई को चिट्ठी लिख किया बड़ा दावा। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने भारतीय पुरातत्व विभाग को लेटर लिखकर जामा मस्जिद दिल्ली का सर्वे करने की मांग की है। विष्णु गुप्ता ने चिट्ठी में कई तरह की जानकारियां दी है। इसके अनुसार दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण जोधपुर उदयपुर के मंदिरों को तोड़ने के बाद हुआ था। मंदिरों के अवशेषों का इस्तेमाल जामा मस्जिद की सीढ़ियों को बनाने में हुआ था। ये सब औरंगजेब के कार्यकाल में हुआ। विष्णु गुप्ता ने दावा किया है कि औरंगजेब पर साकी मुस्तक खान द्वारा लिखित पुस्तक मसीरी ई आलमगिरी में घटना का जिक्र है। गुप्ता का ये भी कहना है कि 24-25 मई 1689 में खान जहां बहादुर जोधपुर से मंदिरों को तबाह कर दिल्ली लौटा था। औरंगजेब की जीवनी में लिखा हुआ है कि खान जहां बहादुर द्वारा मंदिरों को ध्वस्त किए जाने, उन्हें लूटने और प्रतिमाओं को विखंडित किए जाने पर बादशाह बहुत खुश हुआ। उसके बाद बैलगाड़ियों से टूटे हुए मूर्तियों के अवशेष को दिल्ली रवाना कर दिया गया था। हिंदू सेना के अध्यक्ष की मांग है कि जामा मस्जिद का सर्वे हो और उन अवशेषों को बाहर निकालकर दोबारा मंदिरों में स्थापित किया जाए, जिससे कि औरंगजेब की क्रूरता और मंदिर तोड़ने की सच्चाई भी दुनिया के सामने आ सके। बता दें कि इससे पहले राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह में हिंदू मंदिर होने का दावा किया गया है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता का कहना है कि अजमेर दरगाह को भगवान श्री संकट मोचन महादेव विराजमान मंदिर घोषित किया जाए, साथ ही दरगाह समिति के अनाधिकृत अवैध कब्जे को हटाया जाए और इसका एएसआई सर्वे कराया जाए। अजमेर के दरगाह शरीफ को संकट मोचन मंदिर बताने वाले विष्णु गुप्ता को जान से मारने की धमकी भी मिल चुकी है। तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल न्यूज़ ओनली को सब्सक्राइब करें।